बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वाने आ रहा आज आपसे बात करूंगी कि धनतेरस के दिन हम क्या क्या खास चीजें खरीद सकते हैं और क्या क्या खास उपाय हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले धनतेरस के दिन जो है तेरा अंक, तेरा का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। धनतेरस के दिन आप हर काम को अगर 13 के मल्टीपल्स में करते हैं, 13 के मल्टीपल्स में करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा एक शास्त्रों में लिखा है कि आपकी लाइफ में जो भी है, आपका जो भाग्य है, आपका जो लक है, वो 13 टाइम्स और ज़्यादा आपकी लाइफ में बूस्ट करता है। तो सबसे पहले अगर धनतेरस के दिन की हम बात करें तो इस दिन झाड़ू का जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है। झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, तो इस दिन जो है आप झाड़ू ज़रूर खरीदें। धनतेरस के दिन आप सिक्के भी खरीद सकते हैं, सिक्कों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। धनतेरस के दिन जो है सोना, चांदी, पीतल, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो ये सब चीज़ें धनतेरस के दिन आप ज़रूर खरीदें। इसके अलावा आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का जो प्रतीक होती हैं कोड़ियाँ, आप उनको भी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको यमराज के नाम का दीपक जो है अपने घर में ज़रूर जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन आप 13 दिए ज़रूर जलाएं अपने घर में। अपनी अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि वो 13 दिए आप अपने घर में कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं, क्या कहाँ जला सकते हैं, और हर दिया जलाने का क्या हमारे जीवन में जो है महत्व होता है। धनतेरस के दिन आप मिट्टी की मूर्ति ज़रूर ला सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाएं, आप कुबेर भगवान की मूर्ति लाएं, आप माँ धन्वंतरी की मूर्ति लाएं। माँ धन्वंतरी जो होती है हमारे जीवन में जो है, हमारे जिन्होंने आयुर्वेद का आविष्कार किया था, मतलब हमारे जीवन में जो है आयुर्वेदा को लाने वाले, जो हमारी हेल्थ को ठीक रखने वाले, जो हमारी हेल्थ का प्रतीक होती हैं, माँ धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन जो है भगवान चित्रगुप्त की पूजा उपासना का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि भगवान चित्रगुप्त जो थे वो हमारे कर्मों का प्रतीक थे, तो धनतेरस के दिन जो है भगवान चित्रगुप्त की भी हमें जो है आराधना उपासना ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा जो है आप सातमुखी रुद्राक्ष भी जो है धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। आप दक्षिणवर्ती शंख भी जो है इस दिन ज़रूर खरीद सकते हैं। इस दिन जो है कमलगट्टा खरीदने का, जो कमल का के फूल का जो बीज होता है, जिस माला पे हम कमलगट्टे की माला पर हम जाप भी करते हैं, तो उसका भी विशेष महत्व है। इस दिन आप कमलगट्टे की माला जो है वो भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, हमने बात करी बहुत सारी चीज़ें खरीदने की, एक बार जल्दी से जो है मैं एक बार इन चीज़ों को रिपीट कर देती हूँ। इस दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं, इस दिन आप सिक्के खरीद सकते हैं, इस दिन आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, पीतल खरीद सकते हैं, इस दिन जो है आप माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद सकते हैं, भगवान कुबेर की मूर्ति खरीद सकते हैं, माँ धन्वंतरी की जो है इस दिन आप मूर्ति खरीद सकते हैं। इस दिन आप दक्षिणवर्ती शंख जो है वो खरीद सकते हैं, गोमती चक्र आप खरीद सकते हैं। इस दिन जो है आप लक्ष्मी जी का प्रतीक पीली कोड़ी भी जो है आप इस दिन जो है खरीद सकते हैं। इस दिन आप श्री यंत्र भी जो है अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इस दिन श्री यंत्र का स्थापित करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशली जब भी हम कोई चीज़ें, चाहे आप पूरा साल ना करो, लेकिन जब चीज़ें आप फेस्टिवल्स के टाइम पर करते हो तो उसकी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप खरीदते हैं, स्थापित करते हैं, तो इस दिन ये चीज़ें बहुत शुभ होती हैं। कहते हैं माँ लक्ष्मी जो है कि कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में, हमारे उनका आगमन होता है, वो बहुत प्रसन्न होती हैं। आपकी लाइफ में जो है आपके फिनेंशियल इश्यूज जो हैं वो सॉल्व होते हैं। आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य जो है आपके जीवन में आता है। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर खरीदिए जल्दी से, और अपना धनतेरस अच्छे से मनाइए। याद रखें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको धनतेरस के दिन ही खरीदनी है, उससे पहले नहीं, उसी दिन आप खरीदें और अपने जीवन में इन सब चीज़ों का जो है आप लाभ उठाएं। आपकी होस्ट न्यूमेरो वानिया, वानिया आर्या, साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मुझे ध्यान से सुनने के लिए ढेर सारा प्यार। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।